वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में जिन नए रिफॉर्म्स का ऐलान किया गया है वो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का और गति देने का काम करेंगे। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों पर इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। किसान की आय दोगुनी हो, इसके प्रयासों के साथ ही 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई गई है, जिससे परंपरागत तौर तरीकों के साथ ही हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री ऐसे क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और इससे भी नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत युवाओं को फिश प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए नए मिशन की घोषणा हुई है। मैन मेड फाइबर को भारत में प्रोड्यूस करने के लिए उसके रॉ मटेरियल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया गया है। इस रिफॉर्म की पिछले 3 दशकों से मांग हो रही थी। आयुष्मान भारत योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है। इस सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स, उसके डेवलपमेंट, डॉक्टर हो, नर्स हो, अटेंडेंट हो, इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्कोप बना है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नए निर्णय लिए गए हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने अनेक योजनाबद्ध रूप तरीके से प्रयास किए हैं। नए स्मार्ट सिटीज हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, डेटा सेंटर पार्क्स हो, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए वो लिए गए हैं। इसके द्वारा भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा। बजट में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार के आधुनिक भारत के निर्माण में जो जो स्किल की जरूरत है उस फोकस को बल दिया जाएगा और स्किल में भी एरिया को फोकस करने के कॉम्बिनेशन पर बल दिया जाएगा। जैसे डिग्री कोर्सेज में एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल बॉडीज में इंटर्नशिप और ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज की भी व्यवस्था का ऐलान किया गया है। भारत से जो युवा नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ब्रिज कोर्सेज की व्यवस्था भी की जा रही है। एक्सपोर्ट और एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ड्राइव करता है। बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अनेक नई घोषणाओं के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट को
एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना का इसमें निर्णय लिया गया है। छोटे उद्यमों की फाइनेंसिंग के लिए भी कई नई पहल हुई है। आधुनिक भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही महत्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा आधार होता है, ये सब कोई जानते हैं। 100 लाख करोड़ रुपए से 6500 प्रोजेक्ट्स का निर्माण बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तो बढ़ाएगा, देश के विकास के हर क्षेत्र को वो एक नई ताकत देगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से भी व्यापार, कारोबार और रोजगार तीनों क्षेत्रों को लाभ होगा। देश में 100 एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य सामान्य मानवी की हवाई उड्डयन को नई ऊंचाई देगा। भारत के पर्यटन सेक्टर के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है और टूरिज्म से कम पूंजी निवेश से अधिक रोजगार की, अधिक इनकम जनरेशन की संभावनाएं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम स्टार्टअप्स के जरिए और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के जरिए युवा ऊर्जा को नई ताकत देंगे। टैक्स स्ट्रक्चर में मूलभूत बदलावों के कारण भारत में अनेक सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन की संभावना भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी आवश्यकता होती है और प्रमुख ड्राइवर होता है। इस दिशा में कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT, उसको हटाने के कारण कंपनियों के हाथ में 25,000 करोड़ रुपए आएंगे, जो उनको आगे इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगे। बाहर के निवेश को भारत में आकर्षित करने के लिए विभिन्न टैक्स कंसेशन भी इस बजट में दिए गए हैं। स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। ये सभी फैसले अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने और इसके जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब हम इनकम टैक्स की व्यवस्था में विवाद से विश्वास के सफर पर चल पड़े हैं। हमारे कंपनी कानूनों में जो भी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती हैं और उसमें कई सालों से क्रिमिनल एलिमेंट है, एक प्रकार से परेशानी का कारण है सामान्य नागरिक को, उन्हें अब डीक्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इसके साथ साथ टैक्स पेयर चार्टर के द्वारा टैक्स पेयर्स के अधिकारों को स्पष्ट किया जाएगा। दुनिया में शायद बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर टैक्स पेयर चार्टर की कल्पना की गई है। भारत आज एक प्रगतिशील कदम उठा रहा है। एमएसएमई से जुड़े छोटे उद्यमियों पर हमारी सरकार ने हमेशा भरोसा किया है। हम नागरिकों पर विश्वास करने वाली सरकार है। अब 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर ऑडिट की आवश्यकता नहीं होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये सीमा 1 करोड़ रुपए तक ही थी, अब इसे 5 करोड़ कर दिया गया है। एक और बड़ा फैसला डिपोजिटर्स इंश्योरेंस को लेकर हुआ है। बैंकों में, और ये खास करके मध्यम वर्ग के लिए होता है, निम्न मध्यम वर्ग के लिए होता है, वो अपने जीवन की पूंजी को बचा के रखता है और कभी संकट में पड़ जाता है, बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है,
ये विश्वास दिलाने के लिए अब डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब कि एक प्रकार से जो छोटे डिपॉजिटर्स होते हैं 98 to 99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की कमिटमेंट को इस बजट ने और मजबूत किया है। फेसलेस अपील का प्रावधान, डायरेक्ट टैक्स का नया और सरल स्ट्रक्चर, डिसइन्वेस्टमेंट पर जोर, ऑटो एनरोलमेंट के जरिए यूनिवर्सल पेंशन का प्रावधान, यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ओर बढ़ना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो लोगों की जिंदगी में से सरकार को कम करेंगे, नागरिकों की शक्ति बढ़ाएंगे, समाज ताकतवर होगा और उनकी ईज ऑफ लिविंग के हमारे मकसद को कई कदम आगे ले जाएगा। मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में 1 लाख ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी, स्कूल, हेल्थ और वेलनेस सेंटर एवं पुलिस स्टेशन को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी और इसके दूर सुदूर के छोटे गांवों में भी लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा गरीब से गरीब बच्चे को, आदिवासी बच्चे को, दलित बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना संभव होगा। आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। नौकरी के लिए साल में ट्रैवलिंग करता है, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता है, बार बार वो एंट्रेंस नौकरी के लिए परीक्षाएं देता रहता है। इस व्यवस्था को बदलकर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन और वो भी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन एग्जाम के जरिए नियुक्तियां की जाएगी। एक ही एग्जाम होगी, बैंक वाला भी उसका उपयोग कर सकता है, रेलवे वाला भी उपयोग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उपयोग कर सकते हैं। इसके कारण युवकों को बार बार अपना समय इस काम में नहीं लगाना होगा। किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट करने और ट्रांसपोर्ट के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जाएगी। मुझे विश्वास है कि बजट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम और क्रेडिट फ्लो में नई स्फूर्ति लाएगा। ये बजट देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही इस दशक में भविष्य की अपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा। मैं एक बार फिर देश को, निर्मला जी को और वित्त मंत्रालय की टीम को इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।